तो नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है तो इस वीडियो में बात करने जाएंगे आपको जैसे जाए पता है कि ऑर्गेनिली सेल के अंदर रहता है और वो ऑर्गेनिली स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड करता है क्यों करता है क्योंकि वहाँ पर स्पेसिफिक एंजाइम रहता है और स्पेसिफिक तो एंजाइम एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिली में रहता है तो उसके लिए बात करने जाएंगे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिली है और कौन कौन सा एंजाइम प्रोवाइड कर जो रहता है वो काम करता है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और आप अगर पढ़िएगा अगर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो तो चलिए शुरू करते हैं तो पहला ऑर्गेनिक जो है आपका रेटिकुलम तो यहाँ पर बहुत सारे इंजाम रहता है बहुत सारे चैपेरॉन्स रहता है जो आपको याद रखना है पहले वीडियो में बताया है कि बीप कैलनाटिकल एंड कैलनेक्सिन जो आपका चेपरस वो रहता है और उसके अलावा जो रहता है पी बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोटीन डाइसल्फाइड एसोमरिस क्योंकि साइटोप्लाज्म में रिड्यूसिंग रिड्यूसिंगवायरमेंट रहता है वहाँ पर कोई भी डाइसल्फाइड बॉन्ड क्रिएट नहीं हो सकता है इसलिए एंडोप्लाज्मिक रोटिकल में यह प्रोटीन रहता है और डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है क्या करता है कि जो एसइज ग्रुप को लगा के एक डाइसल्फाइड बॉन्ड क्रिएट करता है आपको यह याद रखना है कि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है प्रोटीन का सिस्टिन डेसिडि सिस्टिन है उसके बीच में बनता है ठीक है उसके बाद है गोल्गिया अपराइटस गोलगी एपेराइटस में ग्लूकोस ग्लाइकोसिल ट्रांसफर बहुत सारे एंजाइम रहता है जो क्या है? करता है कि ग्लूकोज रेसिड्यू को कट करता है ऐड करता है फिर आपका ट्रांसफर करता है ये सब काम में हेल्प करता है तो मेन काम होता है ग्लोगली ऐपेट्रास के ऐप अप आपका प्रोसेसिंग में ग्लाइको प्रोटीन को प्रोसेस करता है तो इसलिए ये एंजाइम इसके अंदर रहता है तो क्या करता है कि मोनोसेक्राइड को ऐड कर देता है बहुत सारे रेसिड्यू में प्रोटीन का उसके बाद है लाइसोजोम लाइसोसोम में ऐसा क्या एंजाइम रहता है लाइसोजोम के अंदर आपका जितना भी हाइड्रोलिस एंजाइम है ना जैसे कैथेप्सिन एक है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है इसलिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिए आपका यहाँ पर ईजी हो जाए समझने में तो कैथेप्सिन एक प्रोटीन है जो हेल्प करता है तो हाइड्रोलिस एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइसेंसों में रहता है तो ये तभी काम करता है एक चीज़ हमें यहाँ पर याद रखना पड़ेगा हम लिखने भूल गए हैं तो देख लीजिए इसलिए बोलते हैं वीडियो अच्छे से देखिएगा तो लाइसेंसों में जो एंजाइम है वो तभी काम करेगा अगर उसका पीएच फाइव या फाइव के नीचे रहा फाइव के ऊपर अगर पी गया तो ये काम नहीं करेगा नॉन फंक्शनल हो जाएगा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये एच प्लस मेंटेन रहता है एच प्लस ए के थ्रू तो ये जो ए रहता है वो भी ए रहता है ठीक है तो ये क्या करता है जितने भी मॉलिक्यूल्स से हैं सेल के अंदर वहाँ पर आपको डिग्रेडेशन करता है डिग्रेड करता है मॉलिक्यूल को तो उसके बाद है माइट्रोकॉन्डिया माइट्रोकोंडिया में क्या रहता है आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो साक्सीट डिहाइड्रोजनस इनर माइट्रोकॉन्डियल मेम्ब्रेन में आपका इंटीग्रेट रहता है इसलिए बोलते वीडियो देखिएगा क्योंकि याद रहे आपको याद हमको आता है तो हम बोलते रहते हैं तो जो सैक्सीनाइट डिहाइड्रोजन एंजाइम है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्ट्रेइस में हेल्प करता है और वो इनर मेम्ब्रेन में रहता है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये पूछा जाता है कभी कभी तो जितना भी साइकिल का एंजाइम है वो मैट्रिक्स में रहता है एक ही एंजाइम है जो मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट रहता है वो आपका

तो ये क्लोरोप्लास्ट में, में, में रहता है दो पार्ट होता है, आपको पता है में ये, ये स्ट्रोमा में रहता है तो लाइट रिएक्शन में आपका हेल्प नहीं करता है ये केल्विन साइकिल में हेल्प करता है केल्विन साइकिल मतलब क्या आपका जो बाहर में होता है स्ट्रोमा में तो रूबिस को एंजाम क्या करता है सियोटो को आपका फिक्सेशन करता है

और उसका साइटोसोल में क्या क्या इंपॉर्टेंट पोर्सन आपको पढ़ना चाहिए तो वीडियो को देखते रहिए अच्छा से देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसको तरुण जाके देखिए बहुत ही हेल्प करेगा आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर पेश कीजिएगा तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिसको इस वीडियो की जरूरत है उसको सेंड जरूर कीजिएगा शेयर जरूर कीजिएगा ज्ञान बांटने से आपका बढ़ेगा कभी कमेगा नहीं ठीक है